Hi, this is Shraddha Bajaj, Vice President, Nidhi Investment. I am really super excited as it is my first video. Hope you all will like it. दोस्तों, जो बात आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है वो बात आप सभी को पता है, लेकिन कभी उस नजरिए से नहीं देखा होगा जैसे आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। हम में से कई लोग जब ये सेलिब्रिटीज, टीवी स्टार्स, फिल्म स्टार्स की लाइफ देखते हैं, हमें लगता है इनकी लाइफ में कितना फेम, कितना पैसा है। लेकिन इनमें से कई स्टार्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में फिनेंशियल क्राइसिस आता है। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जब ये अपने दौर के सुपरस्टार्स होते हैं, तब इनके इनकम लेवल बहुत हाई होती है, इनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है, और ये ऐसे अज्यूम करने लग जाते हैं कि हमेशा ऐसे ही रहेगा, और अपनी इनकम को ऐसी चीज़ों में ब्लो अप कर देते हैं जिनकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती, और उस इनकम को सही जगह सेव नहीं करते हैं। लेकिन जब इनका करियर ढलान पे आता है, जब इनकी इनकम लेवल कम हो जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, तब इनके ऊपर एक फिनेंशियल क्रंच आ जाता है, क्योंकि इन्होंने सही समय पे अपनी इनकम को सेव नहीं किया था। इस रेफरेंस में मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। एंट और ग्रासहॉपर की स्टोरी तो आपने सुनी होगी। समर्स में एंट खूब मेहनत करके अपने लिए फूड गैदर करता है और ग्रासहॉपर चिल करता है, और जब विंटर्स आते हैं तब एंट घर बैठे मज़े से खाना खाता है और ग्रासहॉपर के लिए डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि एंट ने अपने बुरे समय के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी और ग्रासहॉपर ने ऐसा नहीं किया था, और आज जब विंटर्स आए हैं उसके पास कुछ नहीं है और उसके लिए एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई है। एंट उन लोगों की तरह है जो अपने अच्छे समय में सेविंग्स करके रखते हैं और अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में ईजीली सर्वाइव कर जाते हैं, और ग्रासहॉपर उन लोगों की तरह है जो अपने अच्छे समय में सेविंग्स नहीं करते हैं तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। ग्रासहॉपर कैन बी एनीबडी, एनी सेलिब्रिटी, एनी कॉमन मैन लाइक यू एंड मी। टू समराइज विद, मैं आपको तीन टेकअवेज देना चाहूँगी। फर्स्ट, जो हमारी आज की इनकम है, ये अज्यूम मत कीजिए कि ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। ये कभी बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है, ये फ्लक्चुएट होगी। इसीलिए कभी अज्यूम मत कीजिए कि इनकम हमेशा सेम रहेगी। सेकंड, जब हमारी इनकम अच्छी होती है तब हमें हमारे परमानेंट एक्सपेंसेस नहीं बढ़ाना चाहिए। जैसे कि कोई एड ऑन प्रॉपर्टी ले रखी है जिसका ईएमआई भरना है, कोई महंगी गाड़ी ले रखी है जिसका ईएमआई भरना है, क्योंकि दोस्तों जब हमारी इनकम कम होती है तब ये एक्सपेंसेस हमारे लिए फिनेंशियल बर्डन क्रिएट करते हैं। इसीलिए जब हमारी इनकम अच्छी होती है तब इन एक्सपेंसेस को बढ़ाने के बदले हमें अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहिए। थर्ड, हमेशा हमें अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना चाहिए। जैसे कि आज ये पैंडमिक सिचुएशन है, हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन आएगी, लेकिन ये सिचुएशन आई है और हम सब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन में वही लोग इजीली सरवाइव कर पा रहे हैं जिन्होंने अपने लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट किया था, और जिन्होंने ऐसा नहीं किया था ये सिचुएशन उनके लिए एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। टू एंड विथ, दो लाइंस कहना चाहती हूँ दोस्तों। पता है हमारा पैसा हमसे क्या कहता है? कहता है, अगर आज अच्छे समय में तुमने मुझे बचा लिया तो बुरे समय में मैं तुम्हें बचाऊंगा। होप यू ऑल लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।